वेलकम स्टूडेंट्स ऑन रिसेप्ट आईएएस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट यानी सरकारी घाटे का माप, या आप इसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट भी कह सकते हैं। तो सरकारी घाटे को मापने की तीन विधियां हैं, राजस्व घाटा रिवेन्यू डेफिसिट, दूसरा राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। चलिए एक एक कर इन पर बात करते हैं। राजस्व घाटा, सरकारी बजट के राजस्व खाते में यदि राजस्व व्यय या खर्च राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। जो सरकार इस घाटे को जितना कम करती है वो सरकार शासन चलाने में उतनी ही दक्ष एफिशिएंट मानी जाती है, क्योंकि घाटा कम होने से बचे धन का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकता है। राजस्व घाटे को आप पूरी तरह तभी समझ पाओगे जब आप राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय को समझ जाएंगे। तो राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति है जिससे सरकार पर कोई भार नहीं पड़ता, उनकी कोई देनदारी नहीं बढ़ती, उनकी परिसंपत्ति असेट्स में कमी नहीं आती, जैसे टैक्स से होने वाली प्राप्ति और नॉन टैक्स से होने वाली प्राप्ति, ब्याज फीस लाभ आदि। राजस्व व्यय सरकार का ऐसा खर्च जिससे उनकी परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होती तथा ना ही भविष्य में उससे कोई आय अर्जित होती है, जैसे सरकारी विभागों को चलाने में होने वाला खर्च, सब्सिडी, कर्ज पर ब्याज अदायगी, ये सब सरकार पर एक वित्तीय बोझ की तरह होता है। तो जब राजस्व व्यय अधिक होता है राजस्व प्राप्ति से तब वह राजस्व घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, यह सरकार के कुल व्यय या खर्च में से कुल प्राप्ति जिनमें सरकार द्वारा लिया हुआ ऋण शामिल ना हो को घटाकर प्राप्त होता है, यानी कि सरकार के कुल व्यय में से सरकार की प्राप्ति हटाकर जिसमें ऋण शामिल ना हो प्राप्त किया जाता है। यानी राजकोषीय घाटा हमेशा बजटीय घाटे से ज़्यादा होता है। बजट डेफिसिट जो होता है उसमें कुल व्यय में से कुल प्राप्ति को हटाकर जो प्राप्त होता है उसे बजट घाटा कहते हैं। तो उसमें जो प्राप्ति होती है उसमें ऋण भी शामिल किया जाता है, उधार कर्ज भी शामिल किया जाता है, लेकिन राजकोषीय घाटे में जो प्राप्ति होती है उसमें कर्ज को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे हम आय नहीं मानते हैं, ऋण को अलग रखा जाता है। तो राजकोषीय घाटा ही असल मतलब घाटे को बता पाता है, क्योंकि उसमें हमारे द्वारा लिया गया ऋण शामिल नहीं होता। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट, जब राजकोषीय घाटे में से सरकार द्वारा की जाने वाली ब्याज अदायगी यानी सरकार का लिए हुए कर्ज पर जो ब्याज देना है उसे हटा दे तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। यानी इसमें राजकोषीय घाटे में से वो ब्याज अदायगी हटाई जाती है जो सरकार को लिए हुए कर्ज पर देनी होती है। अब बात करते हैं मौद्रिक घाटे की यानी मोनेटाइज डेफिसिट, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है आपकी बजट डेफिसिट में। सरकार के राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी आपूर्ति RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को कर्ज देकर करता है उसे मौद्रिक घाटा कहते हैं, मोनेटाइज डेफिसिट कहते हैं। तो ये इकोनॉमी का छोटा सा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।